दादी दादी हो। आज हम लोग बनाएंगे कोहड़े का फूल का पकौड़ा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने इसको पौधे से तोड़ करके लाया। अब इसको हम लोग पीछे का ये पोर्शन को निकाल के अच्छे से साफ कर लेंगे। ये जो भाग रहेगा इसको हम लोग निकाल कर फेंक देंगे और इस फूल को ऐसे पूरा साफ करके फिर इसको हम पानी में धो करके रख लेंगे। फिर से आप लोग देख सकते हैं, पहले हमको इसको तोड़ना है। आप चाहें तो हाथ से या चाकू की सहायता से भी इस पोर्शन को और ये सारे हरे भाग को निकाल लेंगे। इसको हम लोग अच्छे से पानी में धो करके एक प्लेट में रख लेंगे। ताकि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार इसमें मिर्च और प्याज के टुकड़े भी काट कर रखे हैं। मिर्च और प्याज के टुकड़े काट कर रखे हैं और कुछ हम लोग प्याज लहसुन और मिर्च हल्का हम लोग इसमें पीस कर भी मिलाएंगे। जिनको तीखा नहीं पसंद है वो काट कर भी डाल सकते हैं, पीस के नहीं भी डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट में अंतर नहीं पड़ेगा। ये देखिए, हमने हल्का सा लहसुन को, प्याज और मिर्च को पीस लिया है। अब इसको हम लोग बेसन में डालेंगे। लगभग हमने 250 ग्राम बेसन लिया है, उसमें साबुत जीरा हल्का सा ऐड किया है। इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक और हल्दी मिलाएंगे। हमने इसमें नमक, हल्दी और जो पेस्ट हमने लहसुन और मिर्च का पीसा था सिलवट पे, उसको इसमें डाल दिया है। अब इसको हम लोग अच्छे से सान देंगे। ये देखिए, हमने बेसन को पूरा अच्छे से मिला दिया और हम इसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि फूल को हम लोग इसमें अच्छे से लपेट सकें। इसके बाद हम लोग इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से मिल जाए और पूरी अच्छी तरह से फूल में, कोहड़ा के फूल में चारों तरफ से अच्छी तरह से लगे। हमने इसको पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं बेसन को पानी में भिगोए हुए। अब हम देखते हैं, हमने हल्का सा प्याज इसमें डाल दिया है और ये हमारा कोहड़ा का फूल है, पम्पकिन फ्लावर। इसको हम लोग कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम लोग फ्लावर को जितना बड़ा शेप में आपको पकौड़ा चाहिए ले सकते हैं और उसमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा बेसन को डिप कर देना है, बेसन में इसको डिप कर देना है और इसको उसके बाद कढ़ाई पे छान देना है। अभी हम लोगों ने कढ़ाई चढ़ा दिया है तेल गर्म होने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज के कुछ एक दो पीस डाल के एक दूसरे फूल का टुकड़ा से, दूसरा पीस से आपको जितना बड़ा प्याज चाहिए उतना आप तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर आप इसको कवर भी कर सकते हैं, दोनों को बेसन में डिप करके और हम लोग फ्राई करेंगे तो इसके अंदर प्याज भी मौजूद रहेगा। बस और कुछ नहीं है। अब इसको आप लोग ट्राई कीजिए, घर में खाइए सॉस या चटनी के साथ, यह बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। अब देखते हैं, हम लोग इसको पहले देख, हम लोगों ने कढ़ाई डाला है, तेल लगभग गर्म हो चुका है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। उसके लिए पहले हम लोग एक छोटा सा, ऐसे तो यह दिख रहा है कि इसमें अभी भी बुलबुले बाकी हैं, ये सारे बुलबुले हट जाएंगे, या फिर अगर हम इसमें टेस्ट करना चाहें एक और तरीके से तो एक बेसन का टुकड़ा डाल के देख सकते हैं। देखिए, मतलब तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें पकौड़े तल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आइए, हम लोगों ने जो डिप किया है बेसन में पम्पकिन फ्लावर, उसको हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में अच्छे से डालते हैं। पहले आपको तेज हाई फ्लेम में आपको कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद जब अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम को हम लोग मीडियम या फिर लो पे पका सकते हैं। चूँकि यह फूल है, इसको पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसीलिए कम आँच में भी अच्छे से पक जाएगा, ज़्यादा आँच होने पर यह जल सकता है। इसको हम लोग इस तरह डिप करने के बाद तेल गर्म है उसमें ऐसे डाल देंगे और फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे तो यह फूल तुरंत जल जाएगा। एक साथ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कढ़ाई में जगह बचा हुआ है तो हम लोग एक दूसरा भी इधर से डाल सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग और भी फ्लावर लेकर के उसको बेसन में डिप करके डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं। आइए, हम लोग और एक डाल देते हैं, इतना काफ़ी है, अब हम लोग और नहीं डालेंगे नहीं तो ये ओवरलैप करेगा। उसके बाद हल्का ब्राउन होने तक हम लोग पकाएंगे, उसके बाद इसको उलट करके फिर हम लोग निकाल लेंगे प्लेट में। अब आपका यह कोहड़े का फूल का, जो कोहड़ा हम लोग इसको अपने गांव की झारखंडी भाषा में बोलते हैं, ऐसे इसका इंग्लिश नाम है पम्पकिन फ्लावर एंड ये पम्पकिन फ्लावर का पकौड़ा बन करके आपका तैयार हो गया। देखिए, ये पूरी तरह से अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हाई फ्लेम नहीं है तो इतना नहीं होगा, क्योंकि मैंने कढ़ाई ज़्यादा गर्म कर दिया था और फ्लेम लो बाद में किया, इसलिए यह इतना ये हो गया। इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। अब देखिए, यह काफ़ी अच्छा कलर है,
इधर देखिए, यह आप लोगों को शायद शेप में बड़ा लग रहा होगा देखने में, तो आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से जितना छोटा आपको चाहिए उतना छोटा आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं एक पूरा फूल लेंगे हम लोग। अगर आप इसको इतना बड़ा नहीं बना करके छोटा बनाना चाहते हैं पकौड़ा, तो पूरा फूल को पहले डिप कर दिए, उसके बाद इसको फोल्ड कर लिए जितना जिस आकार का आपको पकौड़ा चाहिए। फोल्ड करके अच्छे से बेसन में डिप कर लिए, उसके बाद इसको हम लोग कढ़ाई में डाल करके फ्राई कर देंगे। अब हम लोग बनाने के बाद देखेंगे पकौड़ा का कैसा लुक आता है। देखिए हमारा पम्पकिन फ्लावर का पकौड़ा बनकर तैयार है। आप इसे चटनी या फिर सॉस के साथ खाइए और इसका स्वाद का आनंद लीजिए। धन्यवाद।